नेक्स्ट फोकस करेंगे राज के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज के नीति निर्देशक सिद्धांत में आप देखोगे समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल्स, उदारवादी या उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे समाजवादी सिद्धांत पर। किस पर फोकस करेंगे? समाजवादी सिद्धांत पर फोकस करेंगे। नहीं जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखिए सोशलिस्ट है, गांधीयन है, लिबरल है। इसमें आप देखोगे कि समाजवादी में 38 है ना जी, 38, 39, 39A, 41, ठीक है, 42, 43, 43A, 47, लेकिन गांधीयन में 40, 43, 43B, 46, 47, 48, लिबरल में 44, 45, 46, 46 से 49, 50, 51। तो फिलहाल फोकस हम लोगों को किस पर करना है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, समाजवादी सिद्धांत पर। तो आप देखोगे जैसे क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में प्रावधानित नीति निर्देशक सिद्धांत, और क्या नीति निर्देशक सिद्धांत का भारतीय संविधान में कोई वर्गीकरण किया गया है? तो कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया। इसमें आप देखोगे पुस्तक देखने को मिलती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पब्लिक, इसके लेखक है शर्मा जी, प्रोफेसर एम शर्मा। तो बताइए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक के लेखक कौन? शर्मा जी, एम शर्मा। कौन शर्मा? एम शर्मा, प्रोफेसर एम शर्मा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक के लेखक कौन हो गए? एम शर्मा। में नीति निर्देशक सिद्धांतों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिसमें से पहला समाजवादी सिद्धांत पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत विशेष प्रकार से ऐसे सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य भारत में सामाजिक न्याय पर आधारित समता मूलक समाज की स्थापना करना है। याद रखिए क्या बोला कि ये विशेष प्रकार के ऐसे सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य भारत में सामाजिक न्याय पर आधारित समता मूलक समाज की स्थापना करना। जी आप देखोगे आप जिस समाज में रह रहे हैं तो सबको समता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है। मतलब समाज में जो लोग रह रहे हैं सबको बराबर का अधिकार है। वही ना बोला समता मूलक समाज की स्थापना करना। और समाजवादी सिद्धांत पर अगर फोकस किया जाए तो इसमें 39 आर्टिकल, 39B, देखो ऐसे में हमने यहाँ पर बता दिया क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उसमें भी जो जो इम्पोर्टेंट है 39, 41, 43, तो 39 का ए बी सी डी ई तक, 41, 43 ये पॉइंट पर फोकस करने का काम करेंगे। तो 39 में क्या कहा गया कि राज अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा। राज अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकेगा। नेक्स्ट 39B, तो देखिए रोजगार पा सकेगा ये हो गया 39। इतना लंबा स्टेटमेंट है तो जो मेन है उस पर फोकस कीजिए, रोजगार पा सकेगा 39A के अंतर्गत। नहीं, 39B में प्रावधानित है कि राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार से हानि हो। केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन है ना, कभी भी कोई प्लान होते हैं तो बताइए केंद्रीकरण होना चाहिए या विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, क्या अच्छा होता है बताइए? तो केंद्रीकरण बोले तो सरकार के अनुसार, और विकेंद्रीकरण बोले तो सत्ता, बोले तो जनता के अनुसार, जनता के आधार पर। तो यहाँ पर वही इसीलिए तो बोला गया कि केंद्रीकरण ना हो, ऐसा नहीं कि केंद्रीकरण कर दे और सार्वजनिक हित को किसी प्रकार से हानि हो। देखिए इसीलिए बोला केंद्रीकृत ना हो, मतलब विकेंद्रीकरण हो ताकि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार से लाभ हो। आप देखोगे जो भी पॉलिसी लाई गई वो जनता को अच्छा नहीं लग रहा, लोग उसका विरोध करेंगे। बात को समझिए क्या कहना चाहते हैं,
और जब तक विकेंद्रीकरण प्रशासन नहीं होगा, जनता का सहयोग नहीं रहेगा, आप किसी भी पद पर रहेंगे, आप किसी भी तरह से प्रशासन को चलाने में सही अनुभव नहीं लेंगे, सही महसूस नहीं करेंगे। अब सी में तो देखो 39A में क्या बोला, रोजगार पा सकेंगे। बी में हानि ना हो, ठीक है, या केंद्रीकरण ना हो। सी में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य देश में विद्यमान भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा जिससे अधिकाधिक तथा जीवन निर्वाह का सभी को अधिकार या अवसर प्राप्त होगा। तो क्या देखा आपने कि जीवन निर्वाह को सभी का अधिकार या अवसर प्राप्त होगा। तो ए में रोजगार, बी में केंद्रीकरण नहीं हो ताकि सार्वजनिक हित को हानि हो, सी में जीवन निर्वाह को सभी का अधिकार या अवसर प्राप्त होगा। तो 39C अवसर बोल सकते हो, अवसर आप बोल सकते हो। तो ए रोजगार, बी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सी अवसर प्राप्त हो, डी में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। याद रखिए डी में क्या बोला गया, स्त्री हो पुरुष हो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। वैसा नहीं ना जी, लड़का है तो उसको ज्यादा दिया जा रहा, लड़की है तो कम दिया जा रहा, नहीं, योग्यता के आधार पर उसको मिलना चाहिए। हो सकता है वहां लड़की को ज्यादा सैलरी तो योग्यता के आधार पर हो, तो योग्यता। इसका मतलब ए रोजगार, बी केंद्रीकरण नहीं हो, सी अवसर, डी समान वेतन, ई में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य महिलाओं पुरुषों एवं बच्चों के लिए स्वास्थ्य का समुचित प्रबंध करेगा। ठीक है, समुचित प्रबंध करेगा। तो यहां पर देखिए डी में क्या बोला गया, समान वेतन स्त्री पुरुषों के लिए। ई में क्या बोला, स्त्री पुरुष के साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर फोकस किया गया। तो ई में याद रखिए स्वास्थ्य, राज्य ऐसे का भी प्रबंध करेगा जिससे बच्चों को आर्थिक आवश्यकताओं के चलते कोई ऐसा कार्य ना करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो क्या 39 का ये 5 पॉइंट आप अच्छे से याद रखने का काम कर सकते हैं ना जी। ए रोजगार, बी केंद्रीकरण ना हो, सी अवसर, डी समान वेतन, ई स्त्री पुरुष और बच्चे सबके लिए क्या बोला गया, तो स्वास्थ्य पर फोकस करने का काम किया गया। तो रोजगार, केंद्रीकरण नहीं हो, सी में अवसर की समानता, डी में समान वेतन और यहाँ स्वास्थ्य पर फोकस करने का काम किया गया। ठीक है, अच्छा अब आइए 41 में क्या कहा गया कि राज्य अपने संसाधनों के अनुरूप यह सुनिश्चित करेगा कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अंगहीनता आदि स्थितियों में सार्वजनिक सहायता दी जा सके। याद रखिए 41 में क्या कहा गया कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अंगहीनता आदि स्थितियों में सार्वजनिक सहायता दी जा सके। ठीक है, अब आइए इसका मतलब, यहाँ पर जाहिर सी बात है और आप देखोगे यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन, इसका मतलब वृद्धावस्था पेंशन जो दिया जाता है क्या वो आर्टिकल 41 के अंतर्गत होंगे या नहीं। अभी आप देखोगे सरकार के थ्रू कई प्लान भी चलाए जा रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा जमा करें, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस या आपको जो भी पैसे होते हैं आपको नहीं लगते हैं वो सरकार वहन करती है। तो बताइए कि क्या वो 41 के अंतर्गत होंगे या नहीं। आपको बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार फोकस किए जा रहे हैं तो आर्टिकल 41 होंगे या नहीं। तो देखो आप समाज में फील कीजिए, इसका मतलब अगर कभी समाज में दिखे स्त्री और पुरुष को समान वेतन नहीं मिल रहा, मतलब वो आर्टिकल 39D का
हनन कर रहा है। अगर श्वास का प्रबंध नहीं किया जा रहा है तो वो 39E आर्टिकल का हनन कर रहा है, सोच लीजिए। अब 43 में क्या कहा गया कि राज इस बात का प्रयास करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह हेतु यथोचित वेतन मिल सके। याद रखिए अनुच्छेद 43 में कहा गया कि राज इस बात का प्रयास करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह हेतु यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। देखिए 43 में क्या क्या बोला जा रहा है कि हमेशा प्रयास करेगा कि कृषि उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह हेतु वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, कोई अवकाश के लिए। इसका मतलब 43 में पूरी तरह से कृषि उद्योग मतलब जीवन निर्वाह पर फोकस किया जा रहा है और उनको सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। मतलब फाइनली 43 में आप याद रखोगे सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर, ठीक है। नेक्स्ट